अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन बुक 2, जिसको हम कॉमनली D2 भी बोलते हैं, और उसका हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जो कि है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। टॉप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और इनवर्स प्रोपोर्शंस के हिसाब से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। सो आज की वीडियो जो है वो उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस करी है ये वाली वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जो लोग नए आने वाले हैं। वीडियोज़ अगर पसंद आए तो उनको लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आप लोगों को माइन्यूट किस्म की जो चीज़ें हैं जो आपको नहीं क्लियर होती वो भी सारी क्लियर हो जाए, और सबसे बेसिक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सबसे बहुत आसान सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जब हमारे पास एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होती है तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती जा रही होती है, ठीक है। दूसरे केस में एक चीज़ अगर डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, एक ही एक कॉन्स्टेंट तरीके से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको क्या एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुक अगर है, ठीक है, उसको हम एक्स ले लेते हैं, बुक्स को हम एक्स ले लेते हैं। अगर एक बुक है तो उसकी प्राइस हमारे पास क्या होगी, फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़, ठीक है। अगर मेरे पास दो बुक्स हो जाती हैं तो प्राइस क्या हो जाएगी, 40 रुपीज़। तीन बुक्स हो जाती हैं तो प्राइस हो जाएगी 60 रुपीज़। फोर बुक्स हो जाएंगी तो प्राइस हो जाएगी 80 रुपीज़। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक जगह पे डिफरेंस जो है वो 20-20 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इट मींस एक कांस्टेंट तरीके से वो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पे 1-1 का डिफरेंस है हर एक चीज़ में, ठीक है। तो एक कांस्टेंट तरीके से एक चीज़ भी इंक्रीज़ होती जा रही है, उसी पेस पे हमारे पास दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती जा रही है। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का। अब हमारे पास, हमने इनको सॉल्व करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि दो क्वांटिटीज़ जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, एक की प्राइस अगर इतनी है, अगर वो दूसरी अगर इतनी इंक्रीज़ हो जाए तो दूसरी की क्या वैल्यू होगी, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट यूनिटरी मेथड, एंड दूसरा होता है प्रोपोर्शन के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। अब प्रोपोर्शन में हमारे पास दो चीज़ें हमने D1 में भी पढ़ी थी, एक होता है रेट्स एंड एक होता है रेशोज, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि रेट्स हमने पहले भी पढ़ा था D1 में, कि जब हम टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, रेट्स में हम टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं जबकि रेशोज़ में हम सेम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसी रेट्स और रेशियोज़ में ना ये वाली एग्जांपल इस पर अप्लाई करते हैं कि हम लोग किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने ये देखना है कि टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ की बात हो रही है रेट्स के केस में। एक्चुअली मैं ये जो रेट्स और रेशियोज़ किसे के थ्रू आपको समझाने लगी हूँ, ये हमारे पास बेसिक फार्मूलाज हमें देंगे, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस को सॉल्व करने के। हमने डायरेक्टली उन के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे, इसलिए ये चीज़ समझाना ज़रूरी है। सो रेट्स हमें पता है टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हम टू डिफरेंट क्वांटिटीज़, एक तरफ बुक है दूसरी तरफ प्राइस है, ठीक है। रेट हम लिखते कैसे होते हैं, वाई बाय एक्स, या इसको हम एक्स बाय वाई भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी, आप इसको एक्स बाय वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में चूँकि वाई बाय एक्स के थ्रू सॉल्व हुआ है तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंग करती हूँ ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना हो गए मैम ने पता नहीं क्या कर दिया। सो ये हो गया वाई बाय एक्स। अब टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ में हमारे पास, ये हमारे पास x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, यहाँ पे y1, y2, y3 एंड y4। तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इन दो चीज़ों को मैं कंपेयर करना स्टार्ट कर दूँ, यानी अगर एक बुक है तो 20 रुपीज़ की है, दो बुक्स हैं तो 40 रुपीज़ की हैं, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन किस फॉर्म में लिखूँगी, y1 बाय x1 इज़ इक्वल्स टू y2 बाय x2, ठीक है जी।
बड़ी सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास बन गई कि रेट्स के अकॉर्डिंग जब हम दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो जनरल फार्मूला हमारे पास होता है ये वाला। रेट्स हम हमेशा इस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो जब मैं उस फॉर्म में लिखा तो मेरे पास कंपैरिजन के बाद एक क्वांटिटी वाई एक्स वाई वन है, दूसरी क्वांटिटी एक्स वन है। तो इसको जब हम, ये किसके इक्वल हो गया, हम इसको इसके इक्वल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो डिफरेंसेज हैं वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर 1-1 का डिफरेंस है बुक्स के अंदर और प्राइसेस के अंदर 20-20 का डिफरेंस है, इस वजह से ये जो चीज़ होगी वो इसके इक्वल होगी। ओके, अब हम सेम क्वांटिटीज़ को देख लेते हैं कि रेशियोज़ के अकॉर्डिंग हम ये वाली इक्वेशन कैसे बनाएंगे। रेशियोज़ का हमें पता है सेम क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। सेम क्वांटिटीज़ को जब हम करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास वो किस फॉर्म में होता है, x1 is to x2 और y1 is to y2। रेशियोज़ हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, हमें पता है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस एक्स वन और एक्स टू को जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें पता है कि जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में किसी भी रेशियो को लिखते हैं तो वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब आप देखो, सेम क्वांटिटीज़ एक तरफ आ गई हैं, सेम क्वांटिटीज़ को हम रेशियोज़ में मेजर करते हैं और सेम क्वांटिटीज़ हम इस फॉर्म में लिखेंगे, x1 by x2 equals to y1 by y2। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस बिल्कुल क्लियर सामने आ चुकी हैं। आप इन दोनों को देखो, क्या डिफरेंस है इनमें, कि यहाँ पे हमारे पास, हमने रेट्स रेट के अकॉर्डिंग किया था जिसमें दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे हम दो सिमिलर क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास थोड़ा सा इस तरह का फ़र्क आ जाएगा। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कुछ भी कर सकते हो, इसका कुछ भी बना सकते हो। एक चीज़ और अभी ये बता दूँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, चाहे आप रेट्स के अकॉर्डिंग करो, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करो, या इस रेशो वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग करो, जो चीज़ आपके पास अननोन होगी, जो चीज़ आपने फाइंड करनी होगी, उसको आप एक्स वन लेंगे। ये बात आपने अपने जहनों में बिठा लेनी है। और एक और चीज़, इस ये जो मैंने ये वाली बात लिखी है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स ऊपर नीचे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहाँ पे हम इस केस में हम y1 और y2 को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, x1 और x2 को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। बस ध्यान में ये बात रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास रेट्स वाला जब फॉर्मूला लगेगा तो हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होगा ऊपर नीचे, और जब हम लोग रेशियोज़ की बात करेंगे तो ऊपर नीचे सेम क्वांटिटीज़ आएंगी। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिस नंबर 1 की तरफ। प्रैक्टिस नंबर 1 का जो ए पार्ट है वो ये है कि इफ़ 50 ग्राम्स ऑफ स्वीट्स कॉस्ट $2.1, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 380 ग्राम्स ऑफ स्वीट्स गिविंग योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट 5 cents। 50 ग्राम्स ऑफ स्वीट्स की जो प्राइस है वो है $2.1, एंड हमने फाइंड करनी है 380 ग्राम्स ऑफ स्वीट्स की प्राइस इन सेंट्स। $1 में 100 सेंट्स होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके जी, अब सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे यूनिटरी मेथड, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि वो क्या होता है, मतलब मैंने जिक्र किया था, अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो होता क्या है। यूनिटरी मेथड में आपको ये एक लफ्ज़ नज़र आ रहा होगा, यूनिट, ठीक है। इस यूनिट से आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपने एक चीज़, यानी यहाँ पे 50 ग्राम्स और 380 ग्राम्स की बात हो रही है, यूनिटरी मेथड में आपने ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले आपने एक यूनिट वाली प्राइस या कुछ भी, जो भी चीज़ अपने फाइंड आउट करनी है, पहले आप वो एक यूनिट यानी एक चीज़ के लिए फाइंड करोगे, यूनिट के लिए फाइंड करोगे, एंड देन फिर आपसे जो पूछा गया आप उसके लिए फाइंड करोगे। इस केस में 50 ग्राम्स की हमें पता है, हमने 380 की फाइंड करनी है कि क्या प्राइस होगी, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 ग्राम की फाइंड करेंगे, यानी यूनिट 1 ग्राम की फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद हम 380 ग्राम्स की फाइंड करेंगे। तो हम करेंगे क्या, हमको पता है कि 50 ग्राम्स ऑफ स्वीट्स जो हैं वो है $2.1। अब हम यहाँ पे, मैंने अभी बताया कि यूनिटरी मेथड में हम पहले 1 यूनिट का यानी कि 1 ग्राम ऑफ स्वीट्स का फाइंड करेंगे क्या प्राइस है, तो वो हो जाएगी 2.1 by 50, ठीक है। और फिर यहाँ से हम 380 ग्राम्स की फाइंड करेंगे। ये बहुत कॉमन मेथड है, हमने D1 में जब परसेंटेजेस का चैप्टर कर रहे थे उसमें भी हमने ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, 2.1 by 50 into 380 ग्राम्स। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारे पास
$15.96। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब हम ज़रा इसको रेट्स और रेशियोज वाले काम से भी देख लेते हैं कि हमने जो अभी फार्मूलाज बनाए थे हम वहाँ यहाँ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो पहले रेट्स के अकॉर्डिंग करते हैं कि हमारे पास क्या है। ओके, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, जब मैं इक्वेशन बना रही थी मैंने आपको समझाया था कि जो अननोन चीज़ होगी वो आपने x1 ले लेनी है। मैं इस वक्त इसको रेट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं डिफरेंट क्वांटिटीज लूँगी, ये हो जाएगी x1, ये हो जाएगी y1, x2 एंड y2, ये मेरे पास होगा फार्मूला। अब मैंने ध्यान से वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, अगर मेरे पास x1 था जो कि x है, ठीक है, वो मैंने फाइंड आउट करना है, तो y1 क्या होगा, x1 अगर ये है मेरे पास तो इसकी जो जो वेट होगा वो है 380 ग्राम्स, ठीक है। x2 हमारे पास नॉन था जो कि है 2.1 और उसका जो वेट था वो है 50 ग्राम्स, ठीक है। चलें जी, अच्छा अब इसकी हमने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। यहाँ पे आ जाएगा 50x, यहाँ पे हो जाएगा 2.1 इंटू 380, यहाँ पे बोथ साइड्स पे आप 50 के साथ इसको कर दें डिवाइड, x इज इक्वल्स टू 15.96। अब आप देखो आंसर्स जो हमने अभी थोड़ी देर पहले वाला निकाला था आंसर यूनिटरी मेथड के थ्रू, वो भी 15.96 था, और इस रेट्स के अकॉर्डिंग करने से भी सेम आंसर है। रेशियोज़ की इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपने उसको खुद ही सॉल्व करना है। रेशियोज़ में हमने सिमिलर क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना होता है। यहाँ पे x1 y x2 आ जाएगा इक्वल्स टू y1 एंड y2। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, जो अननोन है वो हमारे पास x है, x2 हमारे पास 2.1 थी, y1 हमारे पास 380 है और y2 हमारे पास 50 है, ठीक है। तो आप अगेन यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे आप देख लो, जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी ये भी 50x हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 798 बन जाएगा, और सॉल्व करते करते हमारे पास दोबारा $15.96 आ जाएगा, जो कि नियरेस्ट 5 सेंट्स के नियरेस्ट है, ठीक है। ओके जी, इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास ये है कि 3.4 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ द मास ऑफ 15 kg। 3.4 ठीक है, 3.4 ऑफ द पीस ऑफ मेटल इज 15 kg, हमें फाइंड करना है 2.5 ऑफ द पीस का मास। अच्छा, अब मैं पहले एक डायग्राम के थ्रू आपको बता देती हूँ कि ये है क्या। हमारे पास एक पीस ऑफ मेटल है, ठीक है, इस एक फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमने उसके कर दिए 4 पार्ट्स, ठीक है। 4 में से 3 पार्ट्स का जो मास है वो है 15 kg। सेम पीस है हमारे पास, ठीक है, उसके मैंने कर दिए 5 पीसेस, और हमने अब बताना है कि इसमें 2 पार्ट्स का कितना मास होगा। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस पूरे का कितना मास है, ठीक है, तभी हम यानी कि यूनिटरी मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले इस होल यूनिट का, इस कंप्लीट पीस, इस पीस ऑफ मेटल का मास फाइंड करेंगे, फिर हम वहाँ से 2/5 का करेंगे। तो वो हम कैसे करते हैं अभी देख लेंगे। 3/4 ऑफ द पीस ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू 15 kg, ठीक है। 1, अब मैं इसको 1 लिखूंगी तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, मैं इसको होल लिख देती हूँ। होल पीस हैज़ द मास इक्वल्स टू 15/3/4, ठीक है, फ्रैक्शन है, मैं फ्रैक्शन को डायरेक्टली यहाँ डिवाइड कर दूँगी। अब हम 2/5 का फाइंड करेंगे। 15/3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है। अच्छा जी, कैलकुलेटर के थ्रू डायरेक्टली कर लेते हैं, जिन्होंने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना वो यहाँ पे फिर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेरा ख्याल है इस लेवल पे हम कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आप उसको बेशक यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास आ गया 8 kg, यानी कि अगर 3/4 ऑफ द पीस ऑफ मेटल का मास जो है वो 15 kg है, तो 2/5 का हमारे पास 8 kg आ जाएगा। यहीं पे इसी जगह पे मैं आगे सॉल्व कर देती हूँ रेट्स एंड रेशो के हिसाब से क्वेश्चन को। रेट्स वाली हमारे पास इक्वेशन हमने अब यहाँ पे क्या करना है, x1
y1 equals to x2 y2. x1 हमारे पास क्या है जो हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि मास ऑफ इस चीज़ को हम ले लेते हैं x. इसके अकॉर्डिंग जब हम ये वाला मास लेंगे, ठीक है, तो हमें इसका भी मास लेना पड़ेगा, यानी y1 हमारे पास दूसरा वाला मास हो जाएगा. x2 जो है वो पीस 2/5 है और y2 जो है वो 3/4 हो जाएगा. इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली इक्वेशन हमारे पास एट द एंड यही बनती है. चाहे आप रेट्स के अकॉर्डिंग करो या फिर रेशोज़ के अकॉर्डिंग करो, यूं करके वैल्यूज़ पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एट द एंड हमारे पास चीज़ जो है वो यही बनती है. तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि अगर क्वेश्चन गिवन है कि भाई आप प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो आप प्रेफर करेंगे रेट्स एंड रेशो वाले फार्मूला को, और कोशिश कीजिएगा कि दोनों फार्मूला यूज़ करके आंसर निकाल लो. दो आंसर आएंगे, दोनों सेम होंगे. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, सिर्फ ये बताया पूछा गया है कि भाई 2/5 ऑफ द पीस का मास फाइंड करें, तो आप इसको सिंपल यूनिटरी मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं. पहले आप एक चीज़ का यानी एक यूनिट का मास फाइंड कर लें, उसको फिर जितने भी फाइंड करने हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ये हमारी हो गई प्रैक्टिस नाउ वन. यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड. बेसिक चीज़ें मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज जो इन्हीं जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.